हाय दोस्तों, वेलकम टू डी वर्ल्ड। दोस्तों आज मैं इस शोरूम में आया हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने के लिए, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में मैं आपको वो बता नहीं पाया था, और वो थे प्री चेक वीडियो। दैट इज बाइक लेने से पहले हमें किस चीज की जानकारी होनी चाहिए और किन चीजों को जानना है अपने बाइक की डिलीवरी लेने से पहले। तो चलिए देखते हैं कुछ जरूरी पॉइंट्स, मैंने जॉट डाउन किया है करीब 10 पॉइंट ऐसे, प्लस दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं उस पर ऐड करने वाला हूँ। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो जब खत्म होगा उसके आखिर में भी मैं आपको दिखाऊंगा, प्लीज उस पर जाइए और उसके बारे में बात करिए। अगर आप उसे शेयर कर सकते हैं इट वुड बी वेरी गुड। अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो अपने दोस्तों से या अपने परिवार से कम उस बारे में बात जरूर करिए, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दोस 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस 2 बोनस पॉइंट्स। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ बताऊंगा इंपॉर्टेंट स्क्रैचेस के बारे में जहां आपको दिखेंगे। आप देख सकते हैं इस बाइक के कॉर्नर्स में और टैंक में, ये सब हिस्से और फेयरिंग में भी ये सब विजिबल स्क्रैचेस यहाँ आपको आसानी से दिख जाएंगे, क्योंकि यही जगह सबसे ज्यादा एक्सपोज है एक्सटर्नल एलिमेंट्स को। तो आप देख सकते हैं कि ये बाइक काफी टाइम से शोरूम में है और इस पे किसी भी तरह के स्क्रैचेस नहीं है, और आपको इन्हीं चीजों को देखना है आपके फेयरिंग पे और टैंक पे। आपके मीटर पे आपको देखेंगे कि किसी भी तरह के स्क्रैचेस ना हो इसके प्लास्टिक मटेरियल पे। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके जो फेयरिंग्स हैं वो लूज ना हो। अगर आप उसको हिला के देखें डिलीवरी से पहले और आपको किसी भी तरह का लूज महसूस हो कि कोई भी पार्ट लूज है, उसी वक्त हाईलाइट करिए और ऑथराइज्ड डीलर्स उस पार्ट को बदल के देंगे या वो चेक करेंगे ये क्यों लूज उनके पास आया है। रस्ट, इन बाइक्स में रस्ट वैसे तो लगता है नहीं, बट अगर आप इसके नट्स को देखें जहां पर ये कनेक्टेड है, अगर आपको किसी भी तरह का जैसे यहाँ 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 अगर इन पार्ट्स पे आपको कहीं भी जंग दिखे, तो सबसे पहले एक काम करिए, आप डीलर को बोलिए कि यहाँ जंग लगा है एंड गेट इट चेक्ड और गेट इट रिप्लेस्ड, और ये सब आपको करना है डिलीवरी से पहले। तो दोस्तों इस बाइक में फर्स्ट एड किट आता नहीं है, तो हम देखेंगे इसके टूल किट को। तो इसका टूल किट हमें यहाँ मिलता है, ये रहा आपका टूल किट। एक जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है अपने टूल किट के साथ वो है कि आप अपने टूल किट को हमेशा मैनुअल के साथ कंपेयर करिए कि टूल किट और मैनुअल में बिल्कुल सेम होने चाहिए, कुछ भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑलवेज कंपेयर योर टूल किट कि ये वही चीजें हैं जो मैनुअल में लिखी है या नहीं। तो चलिए इसे बंद करते हैं और हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों डिलीवरी लेने से पहले बाइक का ऑयल लेवल चेक कर लें, क्योंकि ये बाइक डायरेक्टली फैक्ट्री से आती है, यूजुअली ऑयल बिल्कुल ठीक है, बट अगर आपको कुछ भी महसूस हो, यू सी दिस, द ऑयल इज नाइस एंड क्लीन बट आई समहाउ बिलीव दैट ऑयल इज लेस। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आपको उसमें ऑयल डालना होगा। तो आप फर्स्ट थिंग आप डीलरशिप से कहिए कि ऑयल बहुत कम है, यू कुड सी दिस, और उसमें ऑयल डलवा लीजिए पहले। तो दोस्तों अब हम देखते हैं वर्किंग इलेक्ट्रिकल्स के लिए। तो सबसे पहले जब आप डिलीवरी ले आप अपने इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को चेक कर लें, और ये इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वो है जो आपके सामने होते हैं ना कि अंदर, क्योंकि अगर वो अंदर होंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा गाड़ी चालू करते हुए। तो शुरुआत करते हैं, जैसे गाड़ी चालू हुआ आपको ABS ब्लिंक होता हुआ देखना चाहिए, फ्यूल गेज चालू है नहीं वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सेटअप बटन दबाएं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होनी चाहिए, एंड दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू लुक एट। इफ यू सी ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज समथिंग दैट यू नीड टू सेट एंड चेक इफ एवरीथिंग इज वर्किंग और नॉट। एग्जाम्पल इज माइलेज, आपका माइलेज कितना है, फ्यूल कितना बाकी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएंगी। बैटरी की लाइट जलती हुई दिखेंगी आपको यहाँ पर, इंजन की लाइट जल रही है, और ये सारी चीज़ें आपको पहले ही चेक करनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल आल्सो चेक फॉर द लाइट्स, सो इफ योर लाइट्स आर ऑन एंड ऑफ, अपर डिपर आपका सही चल रहा है या नहीं। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं
अपर डिपर बिल्कुल ठीक तरह चल रहा है और फ्लैश भी आप दे सकते हैं। राइट लेफ्ट की लाइट्स चल रही है या नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पर, इफ दिस इज वर्किंग और नॉट। और दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट इस बाइक के लिए है और वो है आपका पार्किंग लाइट और हैजार्ड लाइट। सो लेट्स सी, आप देख सकते हैं ये दोनों लाइट चल रही है, ये बिल्कुल कार की तरह दिया गया है। यू कुड सी दिस, दैट मींस इट्स वर्किंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखनी है अपार्ट फ्रॉम योर किल स्विच, इफ योर किल स्विच इज वर्किंग और नॉट। तो ये आपकी किल स्विच है, लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। बाइक चालू है, लेट्स सी, यस द किल स्विच इज वर्किंग। तो कुछ ये जरूरी चीजें हैं हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से। याद है आप डीलर से दोनों चाबी ले लें प्लस ये बार कोड वाला टैग ले लें, क्योंकि अगर आपकी ये दोनों चाबी खो जाती है तो डीलर इस बार कोड को स्कैन करके आपको और एक चाबी का सेट दे सकते हैं। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड रिमेंबर टू टेक दिस फ्रॉम अ डीलर शॉप ओनली। तो दोस्तों अब देखते हैं हम बैटरी को। सबसे जरूरी चीज जो बैटरी में आपको देखनी है वो है, पहले हमें आपको दिखाता हूँ उसे कैसे निकालना है। पीछे का सीट निकाल के एक तरह उसे पुल करेंगे हम एंड देन वी रिमूव द सीट फ्रॉम हियर। तो दोस्तों ये रही बैटरी। दोस्तों इस बैटरी में इसके सीरियल नंबर्स हैं, अभी ये बैटरी बहुत अच्छी तरह से फिक्स करी हुई है, मैं इसे निकालूंगा नहीं, बट हाँ इसमें जो सीरियल नंबर है और जो इसका बार कोड है इसमें लगा हुआ है अंदर की तरफ। एंड दिस इज एक्साइड बैटरी और इसकी वारंटी इसी पे बेस्ड है। सो आपको इसके साथ कोई वारंटी पेपर नहीं मिलेगा, बट फ्रॉम द टाइम यू परचेस योर वारंटी गेट्स एक्टिवेटेड और उसी दौरान आपका बारकोड भी स्कैन करके कभी बैटरी में प्रॉब्लम आए वो बदल के दे देंगे। दोस्तों एक सबसे ज़रूरी चीज़, आपका इंजन नंबर और चेसी नंबर, इस चीज़ पे इस बाइक पे इसका एक स्टिकर लगा होता है तो इस पे सारी चीज़ें हैं। आप सबसे पहले काम करिए कि इसका एक फोटोग्राफ ले लीजिए और हम आपको दिखाएंगे कि इसका चेसी नंबर कहाँ है। इंजन नंबर काफ़ी अंदर है तो मैं उस तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, पर चेसी नंबर आप एटलीस्ट कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका चेसी नंबर आपको कहाँ मिलेगा। प्लीज़ इस कंफर्म दिस और उसको बाद में अपने पेपर्स के साथ ज़रूर मैच करके देखिए कि आपको सही चेसी नंबर और सही इंजन नंबर मिला है या नहीं। सो लेट मी शो यू वेयर एग्जैक्टली यू कुड फाइंड द चेसी नंबर। तो दोस्तों ये रही बाइक की टैंक हैंडल और ठीक हैंडल के नीचे से जाता है यहाँ पर, इफ यू कुड सी दिस, दिस इज द चेसी नंबर दैट यू नीड टू चेक। यू कैन सी माई फिंगर, यहाँ एक बड़ी सी वायर है, सो प्रॉब्ली यू वोंट बी एबल टू सी दिस, बट ये रहा उसका चेसी नंबर दैट यू नीड टू चेक इट। तो इसे आप जरूर कंपेयर करिए अपने पेपर्स के साथ। तो दोस्तों दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक हेलमेट जरूर ले जब आप अपनी डिलीवरी लें क्योंकि नए नॉर्म्स के हिसाब से आपको हेलमेट मिलना जरूरी है, और दूसरा पॉइंट फ्यूल आपके पास कितना है इस गाड़ी में वो चेक कर लें, क्योंकि जब आप डिलीवरी लें कम से कम आपके पास उतना पेट्रोल होना चाहिए कि आप सबसे नज़दीकी पेट्रोल पंप तक जा सकें, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था। पर हाँ ये 10 चीजें जो सबसे जरूरी थी और जो दो बोनस पॉइंट्स मैं आपको एक्स्ट्रा बताया है, रिमेंबर दीज थिंग्स विल रियली हेल्प यू बिफोर टेकिंग द डिलीवरी। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक सब्सक्राइब लाइक एंड इफ पॉसिबल शेयर इट। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड अ हेल्दी लाइफ।